हाय गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग और अकर मकर मकर संक्रांति का हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सभी को। और बोलो जी, हरिओम, राधे राधे। आय हाय, थोड़ा तेज बोला करो। जय श्री राम, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही बढ़िया पर्व है और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार साल का पहला ये पर्व है मकर संक्रांति। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो हम लोग चैत में जो नवरात्रि होता है वह प्रथम पर्व होता है। तो गाइस, तो आप लोगों पर श्री राधा रानी और श्री रामचंद्र भगवान का कृपा सदैव बने रहे। और आप लोग दीदी का सपोर्ट करिए। देखिए, हम बार बार बोलते हैं, हाँ गाइस, हमारे क्या करिए, हमारे ब्लॉग में अगर भाई आता है तो बस यही बोलता है कि आप लोग मेरे दीदी का सपोर्ट करा करिए। बोलती है हमसे कि अगर नहीं हुआ तो बहुत वो लगेगा, क्योंकि जो कार्य करने जाता है व्यक्ति तो बहुत लोग खींचते हैं। कोई टांग पकड़ के खींचेगा, कोई हाथ पकड़े, आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो इनके ऊपर बीत रहा है, क्योंकि बहुत सुनती हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि वीडियो बना रही है, कर रही है, कर रही है। हमें भी कष्ट होता है, लेकिन हमारे सामने कोई नहीं कर रहा। हमारे सामने यदि कोई बोले तब हम जवाब दें, लेकिन हमारा काम है करना और उनका है बोलना। क्योंकि हाथी चली जाती है, कुत्ता भोंकता है। और हाथी के पीछे कुत्ता क्यों भोंकता है? क्योंकि हाथी के पूंछ से उसको प्रॉब्लम होती है। पूंछ से नहीं, पूंछ से कि हाथी को इतना सम्मान सम्मान दे रहे हैं सब लोग, तो कुत्ता भोंकते हैं, तो हाथी चली जाती है, कुत्ता भोंकता है। आप लोग अपना काम करिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है करने दीजिए। तो गाइस, आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज क्या क्या मतलब होगा, पूजा पाठ जो जो होगा सब हम आपको दिखाएंगे। और भाई का तो पूजा पाठ हो गया, नहा वहा लिया, कहीं जा रहा है, तो हम सबसे थोड़ा आओ मेरे ब्लॉग में। तो आया है गाइस, क्योंकि उस दिन बाइक आया था तो ये पूजा नहीं कर पाया था, तो आज पूजा उजा किया, मैं नहीं दिखा पाई आप लोग को। ठीक है, आप लोग इनका ब्लॉग शॉर्ट वीडियो देखा करिए और प्यारा प्यारा सुंदर सुंदर कमेंट किया करिए, शेयर किया करिए और लोगों से सब्सक्राइब करवाया करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधा रानी और श्री रामचंद्र जी भगवान का कृपा आप लोगों पर सदैव बनी रहिए। और 22 जनवरी को ध्यान दीजिए, 22 जनवरी को हमें दीपावली मनाना है। दीपावली, उभे भव्य दीपावली, क्योंकि 14 वर्ष बाद जब भगवान आए थे तो हम दीपावली मनाए थे। अब तो 5000 साल बाद आ रहे हैं, तो हम लोग को ज़्यादा अच्छे से दीपावली मनाना चाहिए। और हर एक घर घर में जो जो मेरा ब्लॉग देख रहा है गाइस, आप लोग के घर में दिया जलना चाहिए। ये मेरा भी आर्डर है आप लोग के ऊपर और मेरे श्री मोदी जी प्रधानमंत्री का भी है, तो आप लोग को पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री और हम लोगों की बात नहीं, हमें खुद जागरूक होना चाहिए कि 5000 साल बाद आ रहे हैं प्रभु, तो उनका हम कितने बढ़िया से स्वागत करें। क्योंकि जब 14 वर्ष बाद आए थे तो कितना शुभ दीपावली मनाया जाता है, तो क्यों ना हम लोग नया पर्व चालू कर दें 22 जनवरी को, महाशुभ दीपावली। तो आप लोग अवश्य दीप जलाएं, 5 ही दीप जलाएं, लेकिन अवश्य जलाएं। दूध को छेना को लगल बा, कल चंदन लिए का लगा बा, मिठाई का लगा है। बस वही गल, अब नहीं जड़ाता, अब नहीं जड़ाता, नहीं से दबाई रहे, बस न जड़ाई। कब तक दबाई? हाँ, नहीं फोटो जिन ठीक है खींच ली, नहीं यादगार यादगार नहीं जिन ठीक है जिन ठीक है नाक ना का जाने। बहुत बढ़िया लगत हो तू, रख दो, हो गया ना, भी बना आयुष बना दो। माचिस माचिस गैस के पास होगा, जो ले लेते हो। धा निकाल दी हूँ, धरे रहे का रे लिए ना, हाँ सीधा निकाल दी हूँ पंडित जी के, सीधा निकाल चुकलू पंडित जी के, सीधा निकाल चुकलू। हाँ अच्छा, निकाले है इन्हें बने के। अच्छा अच्छा, गंगा सागर दर्शन करे गल हो तू? हाँ, गंगा सागर दर्शन कैले हो, नहाए गर हलो गंगा सागर, कहियो नहीं सुनाता। गंगा सागर नहाए गल हो? नहीं ऐसा नहीं, पहले नहीं गल बपा रहना था, कहाँ नहावा, नहीं कब भाव, नहीं
तो गंगा सागर गा रहे ना? ना ही दीदी के लिए आई का दिमाग नहीं काम करे था का तोर? वो दीदी के लिए आई का तुम हाँ गरे कहाँ? इलाहाबाद। इलाहाबाद? हाँ इलाहाबाद। इलाहाबाद। अच्छा बद्री नारायण अमरनाथ नारायण का? हाँ वहाँ गई है, वहाँ गई है। हाँ लगा बस नहीं गौनो बस वाला न एक नहीं लगे नहीं लगा भाड़ा। अरे बाप दोहरैया जब आवे लगे तो कहता इम हम भाड़ा दे है हम लड़की के देबे। अरे राम रे हम अपन लड़की तनो लेके आवा नहीं पावा भाड़ा तो कहता कि नहीं हम बा उतर जाब हम लेके लड़की। अरे बाप फिर चिल्ला मत तने हम लड़की के भाड़ा देब न सब रहे क्यों नहीं बोले कि हम एक लड़की लड़का है जब भाड़ा है का हाँ। पहले थोड़ा आई है हाँ। आई हमारा नीलू हेरा आई गई कहाँ कहा हाँ। कि बेटी हो देखे छूटे। तो फाइनली गाइस हम लोग का प्रसाद लेने का टाइम हो गया है और सुबह के हो रहे हैं 10:30 और आप लोग भी आइए प्रसाद करिए खिचड़ी के दिन। देखिए यही सब आइटम बना है गाइस सब कुछ मम्मी मेरी अपने हाथों से बनाई है कोई कुछ भी मार्केट का नहीं है सब कुछ घर का ही है बस वही छेना है और लड्डू जो दिख रहा है वो आया था प्रसाद चढ़ाने के लिए बस वही मार्केट का है नहीं तो बाकी सब घर का है। और ये है दही या चूरा तो आइए आप लोग भी करिए और हम भी जा रहे हैं करने। अगर आज का आइटम और प्रसाद आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आइए गाइस आप लोग को समोसा भी खिला देती हूँ उसी मकर गाइस हमको कहने आता है आप लोग ये मत सोचिएगा कि बोलने नहीं आता आता है बट थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आइए गाइस समोसा खाते हैं मिलकर के हम लोग। और समोसा के साथ साथ अगर तीखा लगेगा तो एक चीज़ और खिलाती हूँ आपको। आज की पार्टी मेरे तरफ से ए पूजा आजा रे। गाइस अगर आप लोग को तीखा लगेगा तो रसगुल्ला भी खा लीजिएगा। रसगुल्ला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रसखुल्ला है। रसखुल्ला तो रसगुल्ला गुलाब जामुन खा लीजिएगा गाइस आप लोग। तो देखिए गाइस मेरा खिचड़ी बन के हो गया है रेडी और अब चल रही हूँ सबको खिलाऊंगी टेस्ट करूंगी तो बताऊंगी कि कैसा बना हुआ है। तो गाइस मेरा फाइनली तहरी बन के रेडी हो गया है अब चल रही हूँ मैं खाने और जिसको अगर पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मेरे चैनल पे जो नए लोग हों सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। जो पूजा का कहना है गाइस कि जो मेरे नए चैनल पे नए लोग होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके ठीक है बाय बाय।